भगवान की मूर्ति के अंदर है विष्णु भगवान जी। हाँ, वहां पर एक मठ है, मूर्ति के अंदर एक मठ है जहां पर विष्णु भगवान है, और कहा जाता है हर 12 साल में वो मूर्ति बदली जाती है, लेकिन वो मठ वैसे का वैसा ही रहता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। आज हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ मंदिर की, जो कहा जाता है बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। यहाँ का झंडा जिस तरफ हवा है उससे उल्टी दिशा में उड़ता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जगन्नाथ मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा, इसलिए इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। वहीं ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से उससे भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती है। आइए जानते हैं उन रहस्यमय चमत्कारी बातों के बारे में। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आम तौर पर एक दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ये प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। वहीं जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ ही है। इसी तरह एक और रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता, यानी कि इस शिखर की कोई परछाई नहीं है। वहीं कहते हैं कि मंदिर के अंदर समंदर की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर के एक कदम बाहर निकलेंगे वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। वाकई ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आम तौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं, या कभी कभी इसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते। वहीं इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता, चाहे भक्त 10,000 हो या फिर 20,000 लोग आए या लाखों आए, सबको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। वहीं आपको बता दें, इस मंदिर की स्थापना मालवा के राजा इंद्रद्युमन ने करवाया था। इनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमती था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा को एक बार सपने में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। सपने में भगवान ने राजा से अपनी एक मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में ढूंढने और मूर्ति को एक मंदिर बनवाकर स्थापित करने को कहा। इस मूर्ति को भगवान ने नील माधव बताया। इसके बाद राजा अपने सेवक के उनके साथ नीलांचल पर्वत की गुफा में भगवान की मूर्ति ढूंढने निकल पड़ते हैं।
राजा के साथ जो लोग निकले थे उनमें से एक ब्राह्मण का नाम विद्यापति था। विद्यापति को सबर कबीले के लोगों के बारे में पता था और नील माधव की पूजा करते थे। विद्यापति को ये भी मालूम था कि भगवान नील माधव की प्रतिमा को गुफा के अंदर सबर कबीले के लोग छिपा कर रखते हैं। इस कबीले का मुखिया विश्ववसु भगवान का उपासक था। हालांकि भगवान की मूर्ति पाने के लिए मुखिया का आदेश सर्वोपरि था और मुखिया भगवान का उपासक, वो किसी भी हाल में भगवान की मूर्ति देने को तैयार ना होता। इस कारण विद्यापति ने चलाकी से मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। अपनी पत्नी के सहारे विद्यापति उस गुफा तक पहुंचने में कामयाब हो गए जहां भगवान नील माधव की मूर्ति रखी थी। विद्यापति ने नील माधव की मूर्ति को चुरा लिया और राजा को सौंप दिया। कहते हैं कि विश्ववसु अपने भगवान की मूर्ति के चोरी होने से काफी दुखी हुए। इस कारण भगवान को भी काफी दुख हुआ कि उनका उपासक दुखी है। इस कारण नील माधव वापस गुफा में लौट गए और राजा इंद्रयुमन से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, लेकिन राजा उनके लिए एक मंदिर बनवा दे। इसके बाद राजा ने मंदिर बनवाकर भगवान से विराजमान होने के लिए कहा, लेकिन तभी भगवान ने कहा कि द्वारका से तैर कर पूरी तरह आ रहे बड़े से पेड़ के टुकड़े को लेकर आओ, इससे तुम मेरी मूर्ति बनाओ। राजा और उनके लोग फौरन पेड़ के टुकड़े के तलाश में निकल पड़े। लकड़ी का टुकड़ा उन्हें मिल गया, लेकिन वो उठाकर लाने में असक्षम थे। तभी राजा को कबीले का मुखिया विश्ववसु याद आया। राजा ने विश्ववसु की सहायता ली। विश्ववसु लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए और फिर भगवान की मूर्ति बनवाई। वहीं ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथ पुरी हिंदू धर्म के चार धामों में से एक तो है ही। यहाँ भगवान विष्णु साक्षात विराजमान है। कहा जाता है जिसने सच्चे मन से यहाँ आकर भगवान के चरणों में अपनी मन्नत मांग ली वो जरूर पूरी होगी। लोगों की ये प्रबल मान्यता है कि मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर ब्रह्मा जी का वास है। जब श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया तब उनकी शक्तियां अलौकिक थी, लेकिन शरीर तो मानव का ही था जो नश्चवर था। वहीं जब धरती पर श्री कृष्ण की लीला पूरी हुई तब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। पांडवों ने उनकी देह का दाह संस्कार कर दिया। इस दौरान उनका दिल अग्नि से जलता रहा। पांडवों ने इसे जल में प्रवाहित कर दिया, तब ये लट्ठे के रूप में परिवर्तित हो गया। ये लट्ठा राजा इंद्रदुमन को मिल गया। उनकी भगवान जगन्नाथ में आस्था थी, वो उसे ले गए और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया। तब से वो यही है। हालांकि 12 साल के बाद भगवान की मूर्ति बदली जाती है, लेकिन लट्ठा वही का वही रहता है। हर 12 साल में विष्णु भगवान वहां के गांव के निवासियों को दर्शन देते हैं। मूर्ति के साथ उनका पूरा का पूरा स्थान ही बदल जाता है। जी हाँ, इसी के साथ बहुत से ऐसे चमत्कार है जो उस मंदिर से जुड़े हुए हैं। अगर आप कभी तीर्थ यात्रा पे निकले तो इस मंदिर में एक एक चीज देखकर जरूर आए, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पर रहस्य से भरी हुई है। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।